है, हम शुरू करते हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। अब इसको हमने टॉपिक डिसाइड किया था, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने का जो मकसद था वो ये था कि ऑल दो ये और ये हमारा जो पहले से 7 दिन की क्लासेज हैं फ्री हैं, और मैं चाहता था कि ऑल दो ये फ्री क्लासेज हैं, फ्री में मिलेंगी बच्चों को, बट कुछ ऐसा टॉपिक करवाया जाए जो उनको बाद में भी बेनिफिट देता रहे। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पूरे सिलेबस में थोड़ा हटके टॉपिक है, उसकी एज सच किसी के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है चैप्टर के, हमने इसमें क्या कुछ सीखना है और क्या कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है हमारा एग्जामिनर कि यार इसमें क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। तो 7 लर्निंग आउटकम्स हैं इसके, कि सबसे पहले तो जो है हमने एक्सप्लेन करना है कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजरियल अकाउंटिंग का स्कोप बताना है, और उसको हमने कंपेयर करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। ये पहली चीज है, ये जो पहला स्कोप उसने हमें गिवन किया है, इसको बच्चों ये याद रख लो, ये आपका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है थ्योरेटिकली जो पेपर में आता है और पास्ट पेपर्स में आ चुका है। अगर आप लोगों के पास स्केड्यूल हो, कल हमारा पास्ट पेपर एक होना है, कल हम ये पास्ट पेपर कर भी रहे होंगे। उसके बाद जो इसका सेकंड लर्निंग आउटकम है वो है कि हमने इसमें कॉस्ट का बिहेवियर और उसकी नेचर का बताना है। थर्ड लर्निंग आउटकम में हमने फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना है। यहाँ पे इसने एक वर्ड हमें लर्निंग आउटकम में गिवन किया है, गिवन सिनेरियोज में। अब इसका मतलब क्या है कि वो हमें एक ऐसा क्वेश्चन गिवन करेगा जिसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल को और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। और जो मैंने आपको पास्ट पेपर दिखाए थे, एक पास्ट पेपर जब हम उस एनालिसिस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें बच्चे ने कहा था सर ये सही, क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें कहा था कि बच्चे ने सर ये इतना कम रिजल्ट क्यों है, इसका ओनली 11% स्टूडेंट्स क्यों उसमें अपेयर हो पाए, तो वो जो सवाल था वो इसमें से बिलोंग कर रहा था। अभी मैं इसका पास्ट पेपर दिखाता हूँ। उसके बाद हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है, कंसेप्ट अप्लाई करना है। उसके बाद जो सबसे अहम टॉपिक है जो लर्निंग आउटकम है वो ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का। अभी तक आपके जो करंटली पास पेपर्स हैं FER 1 के, एग्जामिनर ने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं पूछा, उसने जर्नल एंट्रीज भी नहीं पूछी, और जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसने पूछा था आज से बहुत अरसे पहले। तो जो आपके लिए इस बारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए वो ये वाले 3 लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसके चांसेस आने के पेपर में क्या है बहुत ज्यादा है। तो इस चीज पे हम फोकस करेंगे, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें से सवाल भी बड़े बन रहे होते हैं। अगर हम इसके प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल की बात करें तो इसका प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है और टेस्टिंग लेवल भी क्या है इसका 2 है। अब मेरा आप बच्चों से सवाल है, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि प्रोफिशिएंसी लेवल का और टेस्टिंग लेवल का क्या मतलब होता है। अब मुझे आप 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्टिंग लेवल का मतलब क्या है और प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब क्या है। आप टाइप भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसका दोनों का मतलब क्या है। मैंने ये ओरिएंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, जल्दी से बताएं मुझे। साउथ तलत ने कहा है 8 to 20 मार्क्स। नहीं भाई, मुझे टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब बताएं, 8 to 20 मार्क्स का सीन नहीं था, और प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब बताएं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से हमें कितने मार्क्स का सवाल एक्सपेक्ट करना चाहिए, 20 मार्क्स का सवाल इसमें से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और पिछली इस रिसेंट करंट अटेम्प्ट में और इससे पिछली अटेम्प्ट में भी इसमें से बड़ा सवाल नहीं आया, 8 नंबर तक जा रहा है, और इसलिए एग्जामिनर इस अटेम्प्ट में आपको दुख देगा। तो यहाँ पे तो हमारे लर्निंग आउटकम्स वगैरह हुए। अब हम जरा आगे मूव करते हैं कि भाई साहब इसने हमें लर्निंग आउटकम्स गिवन कर दी कि ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं या ये चीजें हमारे बीच में होंगी। अब हम इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर के 11 कंटेंट्स हैं और हमने ये सारे के सारे कवर करने हैं। पहला कंटेंट है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन करनी है। दूसरा, हमने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और CMA वर्सेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर की गेम शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होगी, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी। ये जो 9 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए।
एंड पे हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हमारे क्या होंगे जो क्विजेस वगैरह होंगे वो कर रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था जो क्विज के लिए हमारा पोर्टल होगा वो दूसरा होगा, वो डेडिकेटेडली होगा, वो मैंने आपको शो किया था। और मैंने आपको उस दिन अपना LMS भी शो किया था जिसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम इस वीकेंड तक उसको फुली फंक्शनल कर देंगे, तो वो यहाँ पे होगा। तो ये चैप्टर हमारे कॉन्टेंट से कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। और आपको पता हो हमारा स्केड्यूल में है था कि हमने आज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट करना है, तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट से इसको हम शुरू करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल वगैरह है तो मुझे बताए, अगर नहीं है तो फिर हम जरा इस टॉपिक के बारे में एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं कि एग्जामिनर कमेंट्स इसके बारे में क्या थे। आपको पता है ना कि हमने एक चीज उसने आइडेंटिफाई की थी कि हमें एक जो बंदा फेल करता है उसका नाम एग्जामिनर है। तो एग्जामिनर कमेंट्स का हमें किसी भी टॉपिक से पहले पता होना बहुत ज्यादा अहम है। अब पिछले 4 अटेम्प्ट से मैंने इसमें कमेंट्स ऐड किए हैं, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19 एंड स्प्रिंग 20। ये 4 एग्जामिनर कमेंट। और समा भाई मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट मस्ट रेफर ओरिजिनल हैंडबुक ऑफ IFRS का क्या मतलब होगा। इसका मतलब है कि आपको जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे तो आप रेड बुक से कंसल्ट करना चाहिए, बट चूंकि आप FR1 में हैं तो FR1 में आपको रेड बुक को रिकमेंड नहीं करता। जो स्टैंडर्ड होंगे वो मैं आपको उसके सॉफ्ट में हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको उसकी एज सच जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बुक ओपन पेपर नहीं होता और आपको पेपर में स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं होते, और हमारे जो स्टैंडर्ड रेलिवेंट भी हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत थोड़े हैं, इसलिए हमें वहां पे कोई ऐसा नहीं चीज चाहिए होगी। ठीक है सामा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस टॉपिक तक की जरा रहें, इस टॉपिक तक की जरा रिस्ट्रिक्ट रहें। इज इट क्लियर सामा? अच्छा, ऑटम 18 में, इस पहले हम देखें स्प्रिंग 20 में। स्प्रिंग 20 में सिर्फ उसने इसमें से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, और ऑटम 20 में इसमें से 8 नंबर का उसने सवाल पूछा था, बड़ा छोटा सवाल, बेसिक का सवाल उसने हमसे पूछा था। ऑटम 19 की अगर बात की जाए तो उसने सवाल पूछा था, उसमें जो मिस्टेक की गई थी कि उस पे जो क्लोजिंग स्टॉक थी उसकी वैल्यू गलत कैलकुलेट की गई थी। स्प्रिंग 19 में जो बच्चे है थे वो इस टॉपिक में से ग्राफ वगैरह सही नहीं बना पाए थे, और ऑटम 18 का जरा हम कमेंट पढ़े, वो कहता है कि ये सवाल 2 पार्ट्स में आया था, 29% इसमें जो है था पासिंग रेशियो थी, पहले में है था फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, ये सिंपल था, और दूसरे में क्या था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। और अगर हम इसका रियल टाइम एनालिसिस करें, ऑटम 18 में 8 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, 7 नंबर का सवाल, 2 नंबर का MCQs और 9 नंबर उसने ऑटम 20 में टेस्ट किए हैं, विच मीन्स कि इसका टेस्टिंग लेवल तो ऑल्दो 2 है, इसमें से 20 नंबर का सवाल एक्सपेक्टेड है, बट अभी तक एग्जामिनर ने 8 नंबर से ऊपर की गेम नहीं खेली। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि इस अटेम्प्ट में इसमें से एक बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है। इज इट क्लियर? जरा मेरे साथ आप इन्वॉल्व रहिए, इन्वॉल्व। मैंने अभी स्प्रिंग 21 का एनालिसिस इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने स्प्रिंग 21 का सवाल ना आपको लाइव करवाना है, जो मैंने उसका अभी सोल्यूशन भी हमारे पास नहीं है, इसलिए जब हम वो लाइव करेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या कितने मार्क्स आया है, दैट्स वाई। क्योंकि इसमें से कुछ सवाल जो होंगे ना पास पेपर के, हम लाइव परफॉर्म करेंगे, कुछ आप खुद कर रहे होंगे, लेकिन जो रिसेंट अटेम्प्ट है, रिसेंट मोस्ट जो अभी हुई है चंद हफ्ते पहले, वो मैं 100% सारी आपको खुद करवाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने उसका भी शामिल नहीं किया, डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि जब वो सवाल करेंगे, क्योंकि हमने वो सवाल करना है एग्जामिनर के सोल्यूशन आने से पहले ही कर रहे होने, तो इसलिए मैंने उसका यहाँ पे एनालिसिस शामिल करना जरूरी नहीं समझा। ओके, और किसी बच्चे का सवाल? आपके साथ मैं एट द एंड ऑफ सेशन सारी स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आपको ऐसा सच परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से स्लाइड्स वाला भी जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चलूं मैं? पहला दिन है, जरा मैं आपको हल्का हल्का लेके चलूंगा, अभी मैं आपको बर्डनाइज नहीं कर रहा। चलिए जी, एग्जामिनर कमेंट से भी हम आगे मूव करते हैं।
हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिजनेस की, वो दो तरह की होती हैं। कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने एक बिजनेस की बात की है, तो इस बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस कितनी तरह की होंगी? कोई मुझे आप में से बता सकता है? कोई एनी वॉलंटियर, मैंने क्या एक कारोबार है, एक बिजनेस है, मुझे बताएं कितने टाइप्स का होगा? तो आप मेजरली एक कारोबार को कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, जरा मुझे बताएं। हाँ थोड़ा सा मैं आप एक कंसेप्ट भी खेलूं। ठीक है, इसमें से मेन थ्री ने इसको मेन टू कहते हैं हम। और कोई बच्चा, और कोई मेरा भाई, आपके पास एक बिजनेस में सवाल आया है, बताएं जी बिजनेस के टाइप्स कितनी होती हैं? बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप मेजरली उनको कितनी टाइप्स में डिवाइड करेंगे? सिंपल, जरा मुझे इसका आंसर कर दें। एक मिस ने आंसर किया है और काफी बेहतर आंसर किया है, बाकी टाइप कर दें। कोई भी नहीं, यार कोई सुन रहा है मुझे? चलो नहीं, हमारे पास कोई भी बिजनेस है उसको मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस का मुराद है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। एक हम कह सकते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और दूसरे हम उन्हें कह सकते हैं मेनली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, उनमें क्या होता है, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट करके चीजों को बेच रहे होते हैं। वाइल जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसमें क्या आ जाती है, इसमें हम कन्वर्जन नहीं करते, बल्कि इसमें हमारी ट्रेड आ जाती है, इसमें हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, मेनली इसमें ये आ रहे होते हैं। अब ये बात बताने की क्यों आपको ज्यादा जरूरी है, आपको पता है कि पेपर में आपके 8 नंबर के एमसीक्यूज भी आने हैं, आप सारे इस चीज से अवेयर हैं कि नहीं? जरा यस और नो मेरे भाई बोल दिया करो या टाइप कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा आपको लाइव इंटरेक्शन की थोड़ी फील मिले। देखें, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेसी का डर है ना अपनी, तो आप सेंड टू प्राइवेट भी कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ मुझे आपके आंसर शो हो जाएंगे, तो इस चीज से आप ना घबरा करें, बट थोड़ी सी अपनी इंटरेक्शन शो किया करें। मेरे एंड से मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, आप अपना एंड चेक करें। हमारे 8 मार्क्स के ना एमसीक्यूज आने ही आने हैं इस पेपर में से, तो एमसीक्यूज में वो हमारे से कोई भी चीज पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार हमारे पास जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है और वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है वो, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो सर्विसेज ही हो, वो ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे आपके घर के करीब कोई भी दुकान है किराने की, आप वहां पर जाते हैं, आप सुपर का बिस्किट लेके आते हैं, तो वो भी बिजनेस कर रहा है, बट वो क्या है, वो ट्रेड कर रहा है आपके साथ, वो क्या कर रहा है आपके साथ, तजारत कर रहा है। तो इस चीज के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है आपको, हम आगे मूव करें। ठीक है, सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको आपके माजी में लेके जाना चाहता हूँ कि जब आप छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे, इंट्रो अकाउंटिंग पढ़ते थे, तो इंट्रो अकाउंटिंग में आपने एक चीज पढ़ के आए थे कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी हम परफॉर्मेंस को कहाँ से मैयर करते हैं? कोई मुझे बता सकता है, एनी वॉलंटियर, अभी कोई आईटी का पेपर दे के आया हो तो उसने बताया होगा सर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहां से हम बताते हैं कि यार ये कारोबार अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। आप में से सारे बच्चा इंट्रो का पेपर दे के आया हुआ ना, एटलीस्ट इंट्रो से अवेयर तो है ना, कि कोई ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम इंट्रो पढ़ रहा हो? हाँ जी, ठीक है, आप में से किसी को तो ना वॉइस का इश्यू आ रहा? मेरे ख्याल से सिर्फ एक स्टूडेंट का इशू आ रहा है, तो आप एक बार ना अपना इंटरनेट चेक कर लें, अब किसी बच्चे का इशू नहीं आ रहा। पहले मेरा इशू है था, मेरा इशू मेरे एंड से नहीं है, आप प्लीज अपना एक बार इंटरनेट चेक कर लें। अब्दुल्ला, आप भी जरा एक बार ना ऐसा करें, आप अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करें, बाद में करें, या आप लिंक को रीज्वाइन करके देखें, मे भी आपको इशू ना हो, समटाइम्स ये हो रहा होता है। इस वक्त किसी का इशू नहीं है सिवाय आपके और आपके। अच्छा, हमने प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट बनाना सीखना था। यार आपको आवाज आ रही है, मुझे फिर किसी के साथ आवाज नहीं आ रही। ये मेरे एंड से आवाज का इशू कोई नहीं आ रहा, ये मेरे एंड से इशू अब नहीं है। आप एक बारी जिसका इशू है ना वो अपना इंटरनेट चेक कर ले, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, अब देखिए, हमने जब एक बिल्कुल इंट्रो अकाउंटिंग में हमने एक बड़ा मुश्किल सवाल सॉल्व करना सीखा था जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते थे, और फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे। उसका फॉर्मेट क्या होता था अगर हम उसकी बात करें, हम यहाँ पे सेल्स लिखते थे, इसमें से हम लेस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल का हमारा ब्रेकअप क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम करते थे ऐड परचेजेस, लेस हम करते थे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरी आती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब ये लेस की तो मेरे पास सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करें तो मेरे पास क्या चीज आती है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। ये आप लोग सीख के आए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं जिसमें एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें उसके क्या कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट होती है, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आती है। और आप इंट्रो टू अकाउंटिंग में यही चीज सीख के आए हैं, ऐसी बात ही है ना, इंट्रो टू अकाउंटिंग में सिर्फ आपने यही चीज क्या की है, कैलकुलेट करना सीखी है। एम आई राइट? चले, अब यहां पे भी ये जो एरिया है हमारा, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो चीज सीखनी है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल सीखनी है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है और क्या नहीं है, हमने वो देखना है। देखें, हमने देखा हमारे पास जो बिजनेस है, अभी हमने बात की बिजनेस हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके लिए आप कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख के आए हुए हैं। कैसे? जैसे आप असलम दुकान वाले के पास गए हलीब का दूध लेने के लिए, अगर असलम दुकान वाला अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाहे कैसे निकालेगा, ठीक है यार मैंने कितने का ओपनिंग स्टॉक परचेज किया हलीब का, वो देखेगा कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने इस सेशन में इस महीने में कितनी परचेजेस की, कितना मेरा महीने के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उसको लेस करेगा तो क्या आ जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आप बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना सीख के आए हुए हैं। और आपने क्या पढ़ा था, आपने उस किताब में इस हवाले से सारी वर्किंग भी सीखी हुई है जीपी कैलकुलेट करने की। तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी चीज को कोई किसी बंदे को इश्यू नहीं होना चाहिए। कोई इश्यू है किसी को? अब हमने यहां थोड़ी सी चेंज करना है, वो चेंज हमारा क्या है, हमने अब बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें से थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली चेंज है। ये बड़ा सिंपल था, यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिया पड़ा हुआ है हमारे पास, कुछ चीजें परचेज की, कुछ चीजें नहीं बेची, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या है, इसमें हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। सर आप पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही। मिस मेरे एंड से कोई इशू नहीं है आवाज का, और आई थिंक हर बच्चे को आवाज आ रही है। आप एक काम करें, आप इस मीटिंग को लीव करें, आप दोबारा इसको लिंक को रीज्वाइन करके आए और मुझे बताएं आवाज आ रही है नहीं आ रही। मैं आपके लिए मैं एक मिनट वेट करता हूँ, तो जल्दी से कीजिएगा। जिस जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो इस मीटिंग को लीव करे, फिर दोबारा जाए ग्रुप में, लिंक को क्लिक करके रीज्वाइन करे, मुझे बताए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से एंड पे मेरे एंड से आवाज आ रही है, मुझे बाकी बच्चे सारे बता रहे हैं सर आपकी आवाज आ रही है।
गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यस अब उन्हें कौन बताए इस चीज को? मैं ये ग्रुप में बताता हूँ, वाइस प्रोडक्ट में ग्रुप में भेजता हूँ। हाँ जी, मैं उनके ग्रुप में भेजता हूँ। जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करें उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मेरे एंड से आवाज़ का इशू कोई नहीं है, बाकी तमाम क्लास को आवाज़ आ रही है। तो अब मुझे आप बताएं आप में किस किस को आवाज़ नहीं आ रही, और अगर आप लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रा इस ऐप को ज़रा जो आपकी तमाम परमिशन है माइक्रोफोन की और स्पीकर की वो अलाउ करें, और अगर आप इसको ब्राउजर पे यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउजर पे जब आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगता है अलाउ की, अलाउ माइक्रोफोन की, ज़रा आप उसको भी चेक करके देखें। तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही ज़रा वो जल्दी से बता दें व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं ताकि आपको जल्दी से अकोमोडेट कर लूँ, क्योंकि मेरे एंड से आवाज़ का कोई इशू नहीं है। अब हम चलें आगे। मेरे ख्याल से मुझे ग्रुप पे भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हम आगे चलते हैं। अब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो निकालना थोड़ी सी चेंज है। वो कैसे है? क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ों को बना के बेचना है, हमने बनी बनाई चीज़ें नहीं लेनी। अब चीज़ों को हमने बना के कैसे बेचना है, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमने मटेरियल कैसे लगाया, उस पे लेबर लगी, उसमें मशीन इन्वॉल्व हुई, तो उस पे पूरा प्रोसेस लगा, तो क्या हुआ? मेरे पास एक गुड्स प्रोड्यूस हुई। तो ये जो एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जाने का प्रोसीजर है, हमने क्या कर रहा है यहाँ पे इस चैप्टर में, इस चीज को सीखना है। इज इट क्लियर? तो इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे चीजें बनी बनाई ली जाती हैं, बट यहाँ पे हमने चीजों को बना के बेचना है। तो बना के चीजें बेचनी है उसको हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात देखें, सिंपल सी बात, आप एक गए हैं फर्नीचर की शॉप पे, वहां पे एक चेयर पड़ी हुई है, आपको चेयर पसंद आई है, आप चेयर लेके आ गए। अब जिस फर्नीचर की शॉप से आप चेयर लेके आए हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मुझे कोई बताएगा? मैं अगर पूछूं, मैं उसामा से ही पूछता हूं, उसामा मुझे, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी आ रही है मुझे। उसामा मुझे बताएं, आप अगर फर्नीचर की शॉप पे गए हैं, आपने एक चेयर उससे परचेज करके ले आए हैं, जिस बंदे ने आपको कुर्सी बेची है वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे रिकॉर्ड कर रहा होगा? मिस लाइबा आप ही बता दें, आप बता दें मिस, आपका जो नहीं, मुझे सिंपल आप कंसेप्ट बताएं, किस किसके तहत वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेगा? एक फर्नीचर की दुकान वाला? मिस आपका जवाब गलत है, ये दुकान वाला नहीं करेगा। सब उसमें आप ट्राई करो, आप कह रहे से और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा कि आप एक दुकान पे गए हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेगा उसको? देखिए अब आप मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा था आप एक फर्नीचर की दुकान पे गए हैं। अब अमूमन क्या होता है, दुकान वाले ने फर्नीचर बनाया नहीं होता, बल्कि वो बना बनाया फर्नीचर परचेज करके लेके आता है। तो जो बंदा बना बनाया फर्नीचर परचेज करके लेके आएगा, वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल किसके तहत कैलकुलेट कर रहा होगा? इसके तहत वो कैलकुलेट कर रहा होगा जो हमारा नॉर्मल उसका बिजनेस था, ये वाला। सिंपल सी बात है। अब आप बताएं मुझे, आप दुकान के पास गए हैं, उसने तो यही किया ना। अगर आप ऐसे बंदे के पास गए हैं जो बना के बेच रहा है आपको फर्नीचर आपके सामने, तो फिर वो इस चीज को लेके चलेगा जो हमने बात की थी, जो आप सारे मुझे बता रहे थे कि वुड की कॉस्ट, ग्लू की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, नेल्स कितने लगे हैं, वो सारे उस चीज को कैलकुलेट कर रहा होगा। तो जो मुझे आप लोगों ने बातें बताई हैं कि वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया, लकड़ी कितने की लगी, कील्स कितने के लगे हैं, और वो सारा कुछ, वो जो चीज आपने बताई है वो हमने यहाँ पे अब कैलकुलेट करना सीखनी है। क्लियर है आपको? अब ये आपको चीज मैंने ऐसे क्यों पूछी है, आपने एमसीक्यूज में इस चीज पे अलर्ट रहना है।
वो आपको जब एमसीक्यूज गिवन करेगा, आपने ये चीज अपने नोटबुक पे लिख लें, आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट 3 बारी पढ़नी है और आपने देखना है वो क्या बता रहा है, वो आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन कर रहा है। तो ये जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें जब सवाल करने जाएंगे, क्विज सॉल्व करेंगे, हमारी चीजें मजीद क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी। अभी आप गलतियां करोगे लेकिन जिस दिन आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तब आप सारे गलती नहीं कर रहे होंगे। तो अभी आपसे इतनी मुझे गलती एक्सपेक्टेड है थी। तो सर आप बताते ना कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है, बिकॉज हमने तो फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी देखा है। तो मैंने मिस बार बार कहा था आप फर्नीचर की दुकान पे गए हैं, इसका मतलब था कि मैंने ये नहीं कहा कि आप उसकी फैक्ट्री में गए हैं। इस चीज में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए था। अब हम आगे मूव करें। जी, उन्होंने कहा है कि आपको बताना चाहिए था, कि मुझे बताना चाहिए था आप लोगों को, कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके माइंड में था कि मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बट मैंने क्लियरली कहा था कि आप फर्नीचर की दुकान पे गए हैं, मैंने फर्नीचर की फैक्ट्री का नाम नहीं लिया था। तो दुकान ट्रेडिंग होती है और फैक्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपने वो चीज को पिक नहीं किया, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे। लेट्स सपोज आपको यही एमसीक्यूज में फिगर गिवन स्टेटमेंट गिवन होती है, वो आपको लिखता है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेगा, वो आपको कुछ इस तरह का स्टेटमेंट गिवन कर सकता है। वो कह दे फर्नीचर परचेज फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री अपनी कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह कैलकुलेट करेगा, तो वो आपको इस तरह की स्टेटमेंट गिवन करेगा। जब हम इसे क्विज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीजें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी इनशाला। आगे मूव करें, ट्रेडिंग बिजनेस की जरा सी बात करते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस कौन से होते हैं। किसी बच्चे का सवाल अभी है था जिसकी मैंने बीच में बात काट दी थी, वो जरा मुझे बताएगा कौन था वो बच्चा। अभी एक सर कहा था और मैंने बीच में बात काट दी थी। कोई सवाल किसी का है? अब ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। ट्रेडिंग बिजनेस में आपको तीन चीज, मैंने जो पिक्चर्स दिखाई हैं ये आपको चीजें बता रही हैं ट्रेडिंग बिजनेस क्या हो रहा है। कि ये बंदा देखें, अगर आपको ये चीज दिख रहा है, ये बंदा पैसे लेके आ रहा है और चीज लेके जा रहा है, ये बंदे ने पेमेंट की इसके बदले में चीज ले ली, मिस्टर जॉन ने मिस्टर हबीबी को डॉलर दिया उसके बदले में तेल ले लिया। तो ये सारी क्या है, ये हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, इसमें ट्रेड हो रही है, इसमें तजारत हो रही है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में से अभी हमने बात की थी, एक ट्रेडिंग होती है और एक सर्विसेज होती है। अब ट्रेडिंग में अगर हम बात करें, चले हम ट्रेडिंग की बात छोड़ते हैं, हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। एक ट्रेडिंग है और एक कौन सी है, हमारे पास सर्विसेज है। ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग पे हम गुड्स बेच रहे हैं, हम चीजें बेच रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, चीज दी पैसे लिए। आपको भूख लगी है, आप दुकान पे गए, आपने 50 रुपए दिए, लेस का पैकेट लिया, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। लेकिन सर्विसेज एक्टिविटीज क्या होती हैं, कि आपके सर में दर्द हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, उसने आपको चेक किया है, आपको मेडिसिन लिख के दे दिया, वो सर्विसेज है। अब सर्विसेज बिजनेस में से डॉक्टर की बात की है, उसकी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स एज सच कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस होती है इसकी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम सर्विसेज बिजनेस की बात करें, जैसे ये होम क्लीनिंग का बिजनेस हो गया, ये सर्विसेज बिजनेस है। ये जो कस्टमर सर्विसेज होते हैं इदारे, कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सर्विसेज का बिजनेस है। फूड सर्विसेज, फूड पांडा हो गया, चीते हो गया। अब फूड पांडा कोई स्टॉक ऑन करता है? नो। चीता कोई स्टॉक ऑन करता है? नहीं, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राइडिंग की, वो है ऊबर वगैरह इसमें आ जाता है। उसके अलावा ये जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, सॉरी ये जो होते हैं हमारे वकील वगैरह, काउंसलर्स वगैरह, वो होते हैं। अब जो लॉन्ड्री वगैरह के होते हैं वो, या जितने भी कॉल सेंटर सेंटर के एजेंट्स होते हैं, सारे क्या कर रहे हैं, हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सर्विसेज बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, कोई एक बच्चा मुझे बता दे सर्विसेज बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है जो नॉन सर्विसेज बिजनेस का नहीं होता, कोई एक बच्चा मुझे बता दे।
मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसका ताल्लुक है उसकी यूटिलिटी के साथ। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अब मुझे बताएं सर्विसेज बिजनेस का सबसे बड़ा की जो डिफरेंस पॉइंट है वो क्या होगा? वो तो हम मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन में भी दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने गाड़ी परचेज किया, सपोर्ट नहीं मिलती 4 साल की वारंटी, और के बच्चा पेपर में टाइम होता है लिमिटेड, हमारे पास 1.8 मिनट है हर मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इतना नहीं सोचना। चलें आप सोचे, बाकी बच्चे टाइप करते हैं जल्दी से। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दी है यूटिलिटी के हवाले से, सर्विसेज बिजनेस यूटिलिटी, सोचें क्या सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट होगा। नहीं स्लाइटली आप करीब थे। जी रिकॉर्ड हो रहा है इधर से, ठीक है। देखिए आपकी बात भी ठीक है, बट सर्विसेज का सबसे बड़ा पता क्या है? ये है ऑन स्पॉट सेटिस्फेक्शन। आपके सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए हो, इंजेक्शन लगाया, उसी वक्त सेटिस्फाई हो। लेकिन प्रोडक्शन में सेटिस्फेक्शन उस वक्त नहीं मिलती। प्रोडक्शन में जब तक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, गुड्स डिलीवर ना हो जाए, उस वक्त तक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो सर्विसेज बिजनेस में आप किसी भी सर्विस बिजनेस पे बात कर लें, आपने फायदा हासिल किया, ऑन स्पॉट ही आपको क्या मिल रही होती है? सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो इस चीज को जरा अपने ज़हन में रखा करें, थोड़ा सा दूसरी डायमेंशन में भी जाया करें, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली दूसरे डायमेंशन में भी मूव किया करें। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक हमारा होता है प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, और इसमें हमारी असेंबली लाइन भी आ रही होती है। अब असेंबली बिजनेस में और प्योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। प्योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आप लेके आए, उस पर आपने प्रोसेस लगाया, उसको आपने एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और असेंबली बिजनेस क्या होता है कि आपने बने बनाए पार्ट्स लेके आए, उनको जोड़ा, और आपने क्या किया, आपने उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी बना के बेच दिया, वो आपका होता है असेंबली बिजनेस। जैसे कार्स होती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या होते हैं, इंजन लेके आते हैं, टायर्स लेके आते हैं, शीशा लेके आते हैं, सारी चीजें लेके आते हैं, उनको एक जगह पर रख के असेंबल करते हैं और बना के बेच देते हैं, तो वो असेंबली बिजनेस है। लेकिन अगर हम बात करें पिज्जा, पिज्जा हट की बात करें, वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। क्या करते हैं वो, आटा भी लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल, वो चीज लेके आ रहे हैं, वो मीट लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद बना के बेच रहे हैं, और दोनों ही क्या है हमारे, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है। असेंबली भी हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होता है, और हमारे जो प्योर हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है वो भी हमारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं। और दोनों में हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी सीखनी है, क्योंकि चैप्टर हमारा लिंक कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, हमने दोनों की जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की वो हमने यहाँ पे सीखनी है। इज इट क्लियर? अब तो किसी को आवाज का इशू नहीं है? नहीं, वो जिनको इशू है था, जिनको आवाज नहीं आ रही, वो भी क्लियर है ना? आप अच्छा, एक मैंने आपको एग्जांपल दी है, बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल है, तंदूरी रोटी की।
अब ये देखें, ये जो आपको बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है, ये प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। कैसे है हम इसको भी साबित कर लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैसे है। देखिए, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए तंदूर वाले को? आटा चाहिए। आटा लेके आएगा, सास क्या करेगा उसको आटे को, फिर उसने अगले प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए। तो आटा भी इसके लिए क्या रखता है अहमियत? रॉ मटेरियल की। और पानी भी हम इसको स्लाइटली मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा आ गया, पानी आ गया, अब क्या करेगा? इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन सा है? नीडिंग का। अब ये जो रोटी आपने खानी के, भाई ये आटा पकड़ लो, ये पानी पकड़ लो, थोड़ा डालो आटा मुंह में, थोड़ा पानी मुंह में फेंक लो, रोटी बन जाएगी। नहीं, बल्कि क्या करेगा वो? तो बोला पूरा प्रोसेस करेगा, उस पर नीडिंग करेगा। नीडिंग कहते हैं आटा गूंदना। नीडिंग करने के बाद क्या होगा? फिर उस पर लेबर इन्वॉल्व होती है, जो उसको रोटी की शेप में लेके आते हैं। जब रोटी की शेप होती है, बन जाती है, उसके बाद रोटी तंदूर में लगाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वो फिर जब पक के आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेके चले जाते हैं। तो ये पूरी मैंने आपको एक बड़ी रियलिस्टिक एग्जाम्पल सिखाई है। मैं आपको बड़े बड़े प्लांट्स में लेके नहीं गया कि ये टोटल फैक्ट्री में हो रहा है, मैंने आपको घर की गली की एग्जाम्पल दे दी है। अब देखें, इसमें ये पूरा प्रोसेस है, इसमें स्टेजेस इन्वॉल्व है। पहली स्टेज क्या है, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल लेके आना। दूसरी स्टेज क्या है? कन्वर्जन। और कन्वर्जन में क्या इन्वॉल्व है? कन्वर्जन में आप अपनी नोटबुक पे लिख लें कि कन्वर्जन में लेबर इन्वॉल्व है, जो रॉ मटेरियल को एक सेमी फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट कर रही है। देखिए, हमारा फिनिश मटेरियल रोटी है, लेकिन ये गूंदा हुआ आटा क्या है? हमारा सेमी फिनिश मटेरियल है। वो कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरी स्पेशलाइज लेबर उसमें इन्वॉल्व हुई, जिसने पेड़े बनाए, फिर तीसरी लेबर जिसने रोटी लगाई, चौथी लेबर जो फिनिश गुड को निकाल रहा है, और पांचवा एरिया क्या है हमारा? एक जो नान बन के आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें ये जो नान कैलकुलेट होके आया है, ये है हमारा फिनिश गुड, आखिरी प्रोडक्ट। इसकी मैंने क्या करनी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना सीखनी है कि एक 15 रुपए के नान के ऊपर जो 100 ग्राम का होता है, कितने रुपए का आटा लगा, कितने रुपए की इसके ऊपर तिल लगे, कितने रुपए की इसके ऊपर लेबर इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से मुझे ये एक नान मिल रहा है, ये मैंने कैलकुलेट करना सीखना है। इस चैप्टर का जो मकसद है मेरा क्या है, ये जो मेरी कॉस्ट टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स है, इसको कैलकुलेट किया जाए। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल सिंपल थी, बट इस सिंपल एग्जाम्पल का फायदा क्या होगा आपको कि बातें आपकी जहन में रहेंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में से हमने गुजरते हुए ये चीज कैलकुलेट करना सीखनी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, हम इसको बिल्कुल छोटे से लेवल पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पूरी आपको प्रोसेस नजर आ रहा है, इस पे जाके आप एक सेपरेट पेपर पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा CAF 8, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे आप इसको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। और जब तो थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप BFD में जाके इसका बाप भी पढ़ रहे होंगे। तो ये दो पेपर्स हैं जो इसी चीज पे इन्वॉल्व होंगे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी हम बुनियादों को लेके चल रहे हैं। सो इज इट क्लियर? समझ आइए हम क्या करने लग, क्या कर रहे हैं, क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट इजी और डिफिकल्ट? लेकिन कंसेप्ट कंसेप्ट की सारी गेम होती है। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है ना, तो क्वेश्चंस कुछ नहीं होते। अभी तक तो मैंने आपको आपके स्टडी डेस्क पर लेके ही नहीं गया बिल्कुल भी। जब प्रैक्टिस करेंगे हम, हमारी चीजें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी थोड़ी सी। जब हमें ना सवाल पढ़ने के तरीके सीखने हैं, अगर हमें सवाल पढ़ने आ जाए ना, आपको जवाब लिखने आ जाएंगे। एक चीज है कि CA के स्टूडेंट्स को सवाल ही नहीं पढ़ने आते। अगर आपको सवाल पढ़ना आता है, आप उसका 40% आंसर
एज सच सवाल से निकाल सकते हैं, और ये बात मैं आपको साबित भी करके बताऊंगा। सवाल के अंदर ही अकाउंटिंग पे न्यूमेरिकल्स पेपर का जवाब शामिल होता है, इस चीज को आप जहन नशीन कर लीजिएगा। तो आगे अगर हम मूव करें, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो कुछ हमने इस तरह से डिस्कस किया है कि यार ओहो जूम इन हो गया मेरे स्क्रीन। हमने देखा कि हमारे पास बिजनेस है, उसमें दो कैटेगरीज हैं हमारी, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है और जो मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों में क्या एक चीज कॉमन है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, और मैन्युफैक्चरिंग की हमने जरा यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखनी है। तो इसमें हमने जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीखते हैं, हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करना सीखनी है कि हमने कितने की गुड्स प्रोड्यूस की है, हमने मेनली उसको कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर है? आगे मूव करें हम, किसी का कोई सवाल वगैरह है तो बता दें मुझे। चलिए जी हम आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने अपना चैप्टर के कोई ऐसा सवाल इस टॉपिक नहीं देखा जिसमें से भी हमारा कोई सवाल आ जाए। हम दूसरे पे मूव करते हैं अपना जी। अच्छा, अब जो चीज हम पढ़ने लगे हैं इसमें से पेपर के अंदर सवाल एक्सपेक्टेड है। मैं काफी कुछ आपको इसके बारे में बता के आ चुका हूँ, बट हम थोड़ी सी अब सरफेस ही बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इदारा, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास दो तरह के हैं, हमने बात की है। हमारे पास एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और दूसरे हमारे पास सर्विसेज हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है? लेबर वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, और सर्विसेज में मोस्टली क्या होता है, इसमें हम गुड प्रोड्यूस करके नहीं बेच रहे होते। अब हमारी जो किताब है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को कुछ चार मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की उसने चार क्लासेस बनाने की कोशिश की है। उसने पहला कंसर्न बनाया जिसमें है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे लार्ज नंबर में। अब इसका मतलब क्या है कोई मुझे बता सकता है? ये जो इसने बात की है ये अब आपकी किताब से है और इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला उसने कैटेगरी के जो हमें बताई है वो है कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट्स बना रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही है बट बहुत लार्ज क्वांटिटी में बना रही है, कौन सी ऐसी होती है जरा मुझे बताओगे? ये आपकी बड़ी डेली एग्जाम्पल्स में से पूछ रहा हूँ चीजें। नहीं, चीनी में तो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना पूरा। लेस बनाने वाली कंपनी, यस। इसमें अगर हम सिंपल सी बात करें, आप पेन की एग्जाम्पल ले लें, पेन एक सिंपल सी चीज है। आपके पास ही पेन वही है, मेरे पास ही पेन वही है, उसामा के पास ही पेन वही है, अब्दुल्ला के पास ही पेन वही है, लेकिन जब एक कंपनी बनाती है वो एक पेन भी बनाती है, वो लाखों के हिसाब से बैच बना रही होती है। तो ये एक प्रोडक्ट लेकिन लार्ज नंबर्स में बनाया जाता है। दूसरी उसने जो हमें कैटेगरी गिवन करने की कोशिश की है उसने कहा है सेम प्रोडक्ट बन रहा है बट थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस, एक हम प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो बनाया जा रहा है। जब भी मेरे भाई ने एग्जाम्पल दी थी ना चीनी की, वो मेरे भाई इस पे आते, देखिए चीनी एक सिंपल प्रोसेस से नहीं बनती बल्कि उसमें लेयर्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो इसमें आ रहा होता है। भी मेरे एक दोस्त ने लेस की एग्जाम्पल दी है, लेस में भी ऐसा ही होता है भाई, आलू की फसल से लेके आपको शॉपर में जो हवा मिलती है वो पूरा एक प्रोसेस से पास होके लेस आ रहा होता है। तो वो यहाँ पे अब 10 की लेस हर जगह वही रहेगी लेकिन वो प्रोसेस से पास हो रही होती है। पहले उनकी प्लॉइंग होती है, खेत से आलू निकालते हैं, साफ करना, उनको वॉश करना, एक चेन चलती है, वो इसमें फॉलो कर रहे होते हैं। तीसरी उसने हमें कैटेगरी गिवन करने की कोशिश की है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स तो आइडेंटिकल हैं, लार्ज नंबर में ही बनते हैं बट
कस्टमाइज्ड होते हैं डिफरेंट कस्टमर के लिए, कि हर कस्टमर कहता है भाई मेरे लिए इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो। इसकी मुझे कोई बच्चा एग्जाम्पल दे देना तो मैं उस बच्चे को टेस्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, जिस बच्चे ने मुझे इस थर्ड वाले की सही एग्जाम्पल दे दी। ठीक है जी भाई, आप कह रहे थे यार आईफोन कभी भी कस्टमाइज नहीं होता। मुझे आईफोन, मैं अगर कहूँ मुझे आईफोन चाहिए पिंक कलर का, तो मुझे स्टीव जॉब्स ने ना जहन्नम से कुछ बेड़े मारने के, भाई तेरे लिए मैंने कंपनी खोली हुई है। आईफोन की जो सबसे है ना अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल वो ये है, पहली वाली, ये आईफोन के लिए था। इसकी सबसे रिलेवेंट एग्जाम्पल है ना वो है बोइंग और एयरबस। एयरबस पीए के पास भी वही है, एयरबस टर्किश एयरलाइंस के पास भी वही है, और एयरबस जो है वो एमिरेट्स के पास भी वही है। एक ही कंपनी है जो जहाज बना के दे रही है, बट पीआईए में और एमिरेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? हमारे वाले कहते हैं भाई आन दो, लेकिन वो है वो पैसा लगाते हैं उसको कस्टमाइज करवा के लेके जा रहे होते हैं। तो इसमें कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसमें है। इसमें जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, अगर वो आपको कस्टमाइज कपड़े प्रोवाइड करें वो इसमें आ सकते हैं। तो ये है, इसमें प्रोडक्ट तो एक है लेकिन कस्टमर की कहने पे कस्टमाइजेशन वगैरह इसमें कर दी जाए तो वो इसमें फॉल कर रहे होते हैं। जी भाई अच्छा नहीं बता दिया मैंने। उसके बाद नंबर फोर था वन ऑफ प्रोडक्ट्स टू अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कि सिर्फ आप कस्टमर के कहने के ऊपर ही प्रोडक्ट वगैरह बना रहे होते हो। अब मैं आपको इनकी एग्जाम्पल सिखाता हूं कि ये कैसे कैसी है। पहली हमने बात की थी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे लेकिन लार्ज नंबर्स में बनेंगे। तो इसकी पहली एग्जाम्पल अगर आपको नजर आ रही है, पेप्सी कोको कोला हो सकता है इस पे, या स्ट्रिंग हो जाती है, या अगर अलफजल की लस्सी वगैरह कर लें, ये इसमें शामिल है। अब प्रोडक्ट एक है लेकिन लार्ज नंबर में बनता है। उसके बाद ये जो है हमारे मोबाइल फोन्स जो आपने बात की थी वो इसमें आ रहे होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे ये जो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, आप देखें ना, अगर आपका शर्ट का कॉलर साइज 17 है तो उस कंपनी ने 17 साइज की सारी शर्ट्स बना देनी है। तो ये चीजें इसमें क्या है हमारे आ रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा एक ही है, थ्रू आउट सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या है बहुत ज्यादा है। तो ये आपको क्लियर एग्जाम्पल ये वाली। सब क्लियर है? दूसरी हमने कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि सीरीज ऑफ प्रोसेस के जरिए हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। अब इसमें जो होते हैं वो हमारी पहली बात मेडिसिन आ देती है। मेडिसिन एक सिंपल प्रोसेस से नहीं बनती बल्कि सिमिलर प्रोसेस बड़े सीरीज से बनती है। अब जो पैनाडोल है लाहौर में भी वही है, इस्लामाबाद में वही है, कराची में भी वही है, वो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन वो पैनाडोल का जो बनाने का प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा चेंज इन्वॉल्व होती है, शुगर इसमें अच्छे से आ जाती है। उसके अलावा जो पेंट है, पेंट भाई प्योर सीरीज है, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, पूरी कहानी चलती है। और थर्ड इसमें जो सबसे बड़ा है ऑयल, ऑयल जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो, अब एक हमारी पीएसओ है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, उस पे प्रोसेस लगाती है डिस्टलेशन का, उससे फिर मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ऑयल डीजल, ये जो टार होता है सारा कुछ बना रही होती है। तो इनमें क्या है, इनमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कि सिंपल करते हैं, आपने अपना रॉ मटेरियल प्रोसेस ए में एंटर किया, फिर उसको आपने बी में किया, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, और यहाँ पे क्या होता है आपको फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा होता है। तो ये जो सीरीज ऑफ प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारी कैटेगरी ये होती है, और इस चीज को हमने सीखना है। ये जो सीरीज ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व है इसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग आप जाके कहाँ पढ़ेंगे, आप जाके CAF 8 में पढ़ेंगे, और जो हर बच्चे का बहुत पसंदीदा टॉपिक होता है, इवन एग्जामिनर का बहुत ज्यादा पसंदीदा
पसंदीदा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है, आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं या जो दिल करे आप इसको बीच में लेके जा सकते हैं, जिसमें प्रोसेस, जिसमें सीरीज, जिसमें चेन इन्वॉल्व है एक फिनिश प्रोडक्ट में जाने की। इसमें तंदूर भी आ सकते हैं क्योंकि रोटी के लिए आपको पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। अब इसके बाद है आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन लार्ज नंबर कस्टमाइज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अब इसमें मैंने आपको जहाज की बात कर दी कि एयरबस हो गया, बोइंग हो गया, अब वो कस्टमाइज देती हैं। टर्किश एयरलाइन में और पीआईए में फर्क क्या है, बड़ा है, दोनों के पास एयरबस है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो कैसे होगा, वो इस एंड से होगा। दूसरा, ये जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, मैं शहद एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास हनी का फार्म है, मेरे पास वेरियस कंपनीज आएंगे कि भाई तुम शहद बेच रहे हो, तुम हमें हमारी हमारी बॉटल्स में पैक करके दे दो, हम उसको अपनी ब्रांड पे बेच देंगे। तो शहद ही बेचूंगा लेकिन मैं हर बंदे को उसकी कस्टमाइज बॉटलिंग में पैक करके दे रहा हूँगा। तो ये इसमें इन्वॉल्व होता है। और आखिरी सा हमारा, अच्छी एनिमेशन है ना, वन ऑफ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम बना रहे होते हैं। अब आप कहेंगे सर वहां भी जहाज था, यहाँ भी जहाज है, बट सर ये जहाज नहीं है, ये आप गौर करें तो ये रनवे है, एयरपोर्ट की बात करो। अब एयरपोर्ट है, लाहौर के एयरपोर्ट में, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में, कराची के एयरपोर्ट में, इस्तांबुल के एयरपोर्ट में, हैदरो एयरपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट तो है लेकिन कस्टमर्स ने अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसको बनवाया है। इसके अलावा जितने ब्रिजेस होते हैं, जितने ये हमारे पास बनते हैं, शहबाज शरीफ मुझे याद आ गया पुल से, क्योंकि जहां पुल होगा वहां शहबाज शरीफ होगा, तो हर एक के चेंज। अब लाहौर में जहां पुल है हर पुल एक दूसरे डिफरेंट है क्योंकि वो उस जगह की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, वन ऑफ प्रोडक्ट है। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो एक ही है, उसने जो लाहौर का बनाया वो उसने किसी और जगह बनाया होगा, किसी और मॉडल में बनाया होगा, इस्लामाबाद कहीं और बनाया होगा। इसके अलावा ये जो रोड्स की कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, और जो ये हमारी बोर्ड सर्विसेज होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। देखिए ना, टाइटैनिक एक ही बनी है, उसके बाद एक नहीं बनी। अब मुझे अगर मैं इतना कल को बन गया बिलियनियर तो मैं अपनी मर्जी की जाके वहां से याश बनवा के लेके आऊंगा। तो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक क्या हो रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। और जब भी कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगे वहां पे आपको शहबाज शरीफ नजर आ रहा होगा। अब कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट बना के देना है, इसकी मुझे आप में से कोई सबसे आला एग्जाम्पल बता सकता है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल कि किसी कस्टमर के स्पेसिफिक मुताबिक ही क्या किया गया, एक प्रोडक्ट बना के दिया गया, कोई मुझे इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल बता। मैं आपको इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे बड़ी एग्जाम्पल वो है ताजमहल। यार क्या हो गया, जो ताजमहल है ना वो कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उस एम्परर ने वो बनवा के बाद में मजदूरों के हाथ ही कटवा दिए थे कि आज के बाद ऐसा कोई तुम प्रोडक्ट ना बना के दो। तो ये कस्टमर स्पेसिफिकेशन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल, गॉट इट, मैंने कहा सबसे बड़ी एग्जाम्पल। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या है, आता है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म आ रहा है, हमारा बैंक्स जो है हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे होते हैं फाइनेंशियल इदारे वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप जाते हैं मूवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स है, थिएटर्स वगैरह है, सिनेमाज हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उसके अलावा जो टीचिंग है मैं हूँ, इस वक्त आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्या है, हॉस्पिटल्स वगैरह आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इन सब में क्या है, इन सब में सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको ऑन स्पॉट मिलती है। मूवी देख रहे हो उसी वक्त सेटिस्फाई हो रहे हो, पढ़ने जा रहे हो उसी वक्त सेटिस्फेक्शन ले रहे हो, डॉक्टर पे गए हो टीका लगा उस वक्त सेटिस्फाई हो गए, बैंक में गए पैसा विड्रॉ कराया उस वक्त सेटिस्फाई हो गए, ट्रैवलिंग के लिए गए जैसे ही आप ट्रैवलिंग पे गए आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी होना हो गई। तो ये क्या है, हमारी ये सर्विसेज कहला रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, हमने इस चीज़ को पढ़ लिया कि हमने जो इस टॉपिक स्टार्ट करना है, जो हमारा मेन चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के हमने क्या चीज़ देखना है, हमने चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट देखनी है। और प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें होगा हमारा रॉ मटेरियल, फिर हमने इस रॉ मटेरियल से देखना है कि हमारा
सेमी फिनिश गुड्स हैं जिसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा और फिनिश गुड्स कैसे निकाली जाएंगी, हमने ये चीज यहाँ पे सीखनी है और कल हम फिर इसको यहाँ से लेके चल रहे होंगे। और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CAF 8, उसके लिए क्या है, उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, उसकी ये बेसिक है। तो अगर आपके यहाँ पे ठीक होगा तो आपका CMA जो होगा वो इनशाला ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब आपके पास आपके सवालात के लिए चीज़ें हैं मेरे से पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको कर देते हैं वाइंड अप। इसकी रिकॉर्डिंग 24 आवर्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। जिसका नेट का इशू हुआ, मे भी मेरा आज नेट थोड़ा सा इशू है था, कल इंशाल्लाह मेरा नेट का इशू भी नहीं होगा कल की क्लास में। आप कोई सवाल वगैरह हैं आपके मेरे से पूछें, फिर मैंने अभी टेक्स्ट क्लास में शुरू करनी है जल्दी से। तो सवाल हैं आप लोगों के, मैं ये स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो कुछ समझ आई क्लास की, वॉज इट ईजी? मैंने आज का काम बहुत हल्का रखा है। कल हम जब अपना टॉपिक शुरू करेंगे, और कल हम क्या करेंगे, फिर कल ही हम इसकी फिर पास पेपर की प्रैक्टिस भी एक सवाल की लाइव ही परफॉर्म करेंगे। तो अगर स्केड्यूल आप लोगों के पास हो तो आज हमारा है था बिल्कुल, हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट करनी थी, हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट कर ली। कल हमने कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो शुरू करनी है, और कल हम एक पास पेपर भी करेंगे, और ऐसे हम इसको लेके चल रहे होंगे। तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे लाजमी बताएं क्लास कैसी रही, और उसके बाद हम इसको भी मूव करते हैं। अब मैं फिर टेक्स्ट की क्लास शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं वाइंड अप करने लगूँ। कोई सवाल किसी का है तो मुझे वो लाजमी बचा ग्रुप में पूछ ले। तो जो नेट का इशू है था वो आज मेरे एंड से था, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो आज के इशू के लिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेट का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा मेरे एंड से। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा।